रूम का, ये जो स्पेशल रूम है रूम नंबर 95, इसका हम लोग को टूर देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह से गेट अकेडमी चले गए थे और मैं कल भी व्लॉग नहीं किया था क्योंकि कल दिन भर वाला क्लास था एकदम, मतलब सुबह से लेके शाम तक, तो कल कुछ किया नहीं तो व्लॉग भी नहीं किया मैं। और आज अभी जा रहे हैं कॉलेज गेट अकेडमी से आके फिर कॉलेज में। आज मैं सोचा हूँ कि आज वो BIT हॉस्टल टूर दे दूँ, तो वहाँ पे आज देखता हूँ अगर मतलब उन लोग आए, मतलब जो हॉस्टल में दोस्त लोग रहते हैं उन लोग अगर आज मतलब क्लास है तो उन लोग से पूछूंगा भाई परमिशन है क्या, फिर अगर हाँ बोल दिए तो दिखा देंगे परमिशन क्या, उन लोग तो दिखा ही देंगे। तो अभी चलते हैं कॉलेज, कॉलेज में फिर लैब अटेंड करेंगे, लैब अटेंड करने के बाद अपन वो हॉस्टल टूर करते हैं। पहुँच गए अभी कॉलेज, बाल पूरा ख़राब हो जाता है पहुँचते तक कॉलेज। अभी जा रहे हैं अंदर, रास्ते में वो पोस्टर वोस्टर देखा था SIH हमारे, मतलब हमारे कॉलेज में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो रहा है, बाहर बाहर से लोग आए हैं। मानस है उसमें वॉलेंटियर, उसको बोला हूँ क्लिप व्लिप दो भाई मेरे को अंदर का। पेंटिंग वेंटिंग हो गया हमारे कॉलेज में बढ़िया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उधर से एक और एंट्रेंस है, ये पीछे वाला एंट्रेंस है। हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल का ब्लॉक ये है, तो हम लोग पीछे से ही आ जाते हैं। वहाँ पे रखा है वो देखो बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पे मतलब वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का बोर्ड है। और उधर झंडा वंडा लगा है ना उधर, उधर ही देखो वो इंडोर ऑडिटोरियम है, वहीं हो रहा है, मतलब वहाँ तो नरेंद्र मोदी जी लाइव आए थे तो वहाँ से सब झंडा वंडा लगा है, उधर ही हो रहा है। बाकी ये SIH हार्डवेयर एडिशन है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ये सब मोदी जी का लाए थे लाइव, मतलब वो वीडियो चैट में अमन से बात करने, अमन भी गया हुआ था सुबह से वहीं। बाकी ये दूरदर्शन में टेलीकास्ट हो रहा है हमारे यहाँ कॉलेज का। लैब वैब चालू हो गया हम लोग का, 6-7 पेज लिखने बोल दिए, लिख लिया अभी मैं। ये सब तो ठीक है, 6 पेज लिखना तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे डूज एंड डोंट्स लिखा है, लिखा है क्या लिखा है भाई इसमें जल्दी बता तनिष्क, डूज एंड डोंट्स में क्या लिखा है? कि मैनुअल केयरफुली पढ़ना है, ये सब को हम लोग को लैब मैनुअल में लिख पा रहे हैं। डोंट्स में कहीं नहीं लिखा है, व्लॉग नहीं बना सकते इसलिए यहाँ व्लॉग भी बना देता हूँ मैं। अभी हो गया लैब ख़त्म, फालतू का 7 पेज लिखवाए, वो तो घर में भी जाके लिख सकते थे हम लोग, बस वो 7 पेज लिखवाए, लेकिन मैम आके बताई मतलब कंस्ट्रक्शन मोटर का, फिर डूज एंड डोंट्स लिखवा रहे थे कि ऐसा नहीं करना है, डिसिप्लिन रखना है, ये वो, उसको प्रैक्टिकल लैब फाइल में कौन लिखवाता है भाई। तनिष तो परेशान हो गया था बेचारा, बोल रहा था ऐसा कॉलेज से अच्छा तो ना ही जाऊँ कॉलेज। क्यों तनिष तेरी परेशानी क्या है डूज एंड डोंट्स से? कॉलेज से परेशानी है भाई। तो फिर डूज एंड डोंट्स तो मतलब लिख लिए पूरा लिख लिए, उसके बाद सर को दिखाए, फिर वो छुट्टी दिए। तो अभी अब जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ, हॉस्टल दिखाता हूँ। अभी एक एक लड़के लोग बोलते हैं अभी रुक जो भाई साफ़ करने दे रूम, तो दूसरे दोस्त के रूम में चले जाऊँगा। हम लोग साफ वाफ रखते नहीं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं हॉस्टल में। अभी जाता हूँ, अमन आ रहा है, अमन का भी, अमन और हम लोग का क्या क्लास एक ही है लेकिन लैब 2 हिस्से में बटा हुआ है, मतलब A1 बैच और मतलब B1 बैच और B2 बैच, हमारा सेक्शन B है। तो वो उसका हो गया मतलब होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, वो आ रहा है पीछे से, मैं जब तक जा रहा हूँ हॉस्टल। ये 3rd ईयर है हॉस्टल, घास वास है, क्रिकेट विकेट भी खेल सकते हैं। 2nd ईयर का उधर तरफ है कहीं, मतलब पीछे तरफ, ये 3rd ईयर का है, 3rd ईयर, हाँ 5th सेम, 3rd ईयर में यहाँ आ जाते हैं। बाकी ऐसा है इन लोग का हॉस्टल, एक दो क्लिप डाल दूंगा मैं, इधर ये रूम है इतना बड़ा, यहाँ पे 3 लोग रहते हैं शायद, हाँ यहाँ पे 3 लोग रहते हैं, इधर ये है, इधर वॉशरूम है। संतु भाई फीस कितना है यहाँ का? फीस 37,000 पर सेमेस्टर, ऑलमोस्ट 40। ओके, वो यहाँ मतलब फीस है 37,000 पर सेमेस्टर, 3 लोग रहते हैं उसमें, वॉशरूम उधर था उसमें कोई गया हुआ था करके नहीं दिखा पाया। 37,000 पर हेड पर सेमेस्टर ना, हाँ। इधर वेस्टर्न है इंडियन है टॉयलेट इधर? सारे हॉस्टल में, सारे हॉस्टल में वेस्टर्न है। और बाकी ये मेस भी इंक्लूडेड है ना इसमें? मेस भी इंक्लूड, मेस जिम और क्या फैसिलिटी है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,
बाकी इतना बड़ा एरिया है यहाँ, सब जगह स्पोर्ट्स कर सकते हैं। उधर देख लो हॉस्टल में क्या क्या होता है, दिखा देता हूँ। ये है रूम नंबर 96 आदि का, लखानी सो रहा है। इधर दो ही लोग रहते हैं इस रूम में, इधर अकेले रहते हैं, इधर एक और बंदा वो आएगा। अच्छा, इधर ऐसा वॉशरूम है उधर। हॉस्टल टूर भाई, हॉस्टल टूर। रिव्यू दो भाई, रिव्यू पहले। इधर कैसा है हॉस्टल आपका? बहुत अच्छा, कॉलेज से, कॉलेज के अंदर है तो कॉलेज में कुछ भी आपसे बिना कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है। अच्छा, अच्छा इधर भी लाइटिंग है यार, पूरा एकदम डीजे है, डीजे रूम है यहाँ पे। पंखा, पंखे में भी लाइट लगा देते भाई, तो ज्यादा हो जाता, ज्यादा हो जाता। ले चल, निकल। अभी मैं चले गया था गेट एकेडमी क्योंकि कोचिंग था, तो इसके रूम का, ये जो स्पेशल रूम है, रूम नंबर 95, इसका हम लोग को टूर देना बाकी था। तो उसके लिए भूषण भी आया है, कुणाल भी आया है। अबे रुक जा, फिर से खोल के बेटा, साले इधर कैमरा था। ये देखो इस 95 रूम नंबर कैसे खुलता है, ये देखो, ये है टेक्निक। उसके बाद ऐसे सीनरी टू क्या है, अब अंदर अंधेरा है लेकिन अभी दिखेगा जादू, मिरेकल। ये है डीजे पप्पू, झालर भी लगा है, सब लगा। ये है साफ सुथरा रूम, पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। बाकी लोग का रूम एकदम गंदा था। इधर देखो भूषण, तू भी गंदा हो जा रहा है, मतलब ये देखो। हाँ, बाकी ये रूम ऐसा है, इतना बड़ा रूम है। अबे लाइट मत बंद कर, रूम ना पूरा दिखाने दे डीजे। ये ऐसा है, इतना बड़ा रूम, यहाँ तीन लोग रहते ना भाई अभिषेक, और यहाँ पे ऐसा कुछ सीक्रेट, ऐसा कुछ शेयर कर दो। इधर वो हॉस्टल, इधर पीछे भूत निकलता है, BIT में है भूत। कौन से ईयर का हॉस्टल है भाई ये? थर्ड ईयर का ना, थर्ड ईयर के हॉस्टल में क्या निकलता है। अभी वापस आ गया मैं कोचिंग से, कोचिंग उस टाइम क्या हुआ था पता है, मेरा 4:30 बजे कोचिंग था, 4:15 तक मैक्स मेरे को निकलना ही था हॉस्टल से। अभिषेक आ नहीं रहा था तो मैं सोचा कि निकल जाता हूँ, वापस आके रूम टूर दे दूंगा। तो फिर मैं वापस गया, फिर रूम टूर दिया क्योंकि कोचिंग इंपॉर्टेंट है। तो फिर कोचिंग से वापस आके फिर वो रूम वूम दिखाया उसका, उसके बाद अभी रूम आया हूँ जस्ट, अभी निकल गया हूँ दादी के लिए ना, मेरी दादी आई हुई है यहीं भिला दुर्ग में, तो उनसे कुछ सामान लेना है मेरे को, तो उधर पद्मनाथपुर तरफ है। तो अभी यहाँ पे निकल रहा हूँ, अभी बस यहाँ से अभी निकलूंगा, 5 मिनट ही लगते हैं वहां जाने में। बड़ा गोटी हो गया, ये मानस मेरे को रूम का चाबी नहीं दिया, तो मेरे को गाड़ी लेके यहाँ CC आना पड़ गया। इन लोगों को खाना नहीं मिला, तो ये अमन को भी खाना नहीं मिला, इसको तो मिल गया है, इसके बाहर खा के आ गया था। तो मेरे पास रूम का चाबी नहीं था, तो मैं इन लोग को पूछा कहाँ हो, तो इन लोग CC में आ गए थे, तो मैं बोला मैं करूँगा क्या रूम के बाहर रह के, तो मैं भी CC आ गया। अभी इसको खाते हुए देखता हूँ, इंतजार करता हूँ। खा ले भाई, देख क्यों रहा है? नहीं, अभी मैं खा लिया हूँ कुछ, तो फिर अभी फिर बस ये खाएगा, फिर अपन चलेंगे राय वापस। मैं वहाँ रुक सकता था लेकिन मैं बोला क्या करूँगा रुक के, मस्त गाड़ी चला लिया थोड़ी देर। मानस कैसा जा रहा है आपका हैकाथॉन? और मेरे लिए क्लिप बनाया कि नहीं? बनाया भाई, देखूंगा। और इंटरेक्शन किया कि नहीं अच्छी, अच्छे लोगों से इंटरेक्शन? वाला कल भेजूंगा, मैं वीडियो बनाया हूँ आस पास का भाई, उसको डालना ऐसे, कल इंटरेक्शन वाला डालेंगे, इंटरेक्शन वाला कल। ठीक है भाई, ओके, चलो बाय बाय। हो ना, बाकी मैं पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि चीज़ चिली मैगी खाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ चीज़ मैगी है यहाँ नन्हे से, ये सिर्फ चीज़ मैगी है, चिली वाला मिला नहीं। अभी चीज़ वाला खा के देखता हूँ कैसा है, वैसे टेस्ट अच्छा होना चाहिए। शेजवान का भी मत लेना क्योंकि उसमें क्या भर देते हैं, मन मटर भर देते, सिर्फ मटर मिलता है, मटर का सब्जी देते हैं उन लोग। बाकी ये खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है, अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ। वाइट सॉस पास्ता टाइप का है थोड़ा सा, गुड, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना शेजवान घटिया चीज़ चिली मैगी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, वाइट सॉस पास्ता टाइप का ही है। अभी हो गया हम लोग का मैगी खाना, मैं और अमन पान लाए थे, मैं खा गया, ब्लॉग में डालना भूल गया, तो मैं अमन वाला दिखा दे रहा हूँ, पान टेस्टी। मानस ड्रिंक पी रहा है क्योंकि वो पान नहीं खा रहा, बच्चा थोड़ा सा, अभी बाद में सिखाऊंगा पान वान खाना। अभी वापस सितादी दिए चमनप्रास, और इसके डब्बे में गुजिया और कुछ कुछ है। वापिस आ गए रूम, तो यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, सेव नहीं कर सकते, लाइक शेयर सब्सक्राइब।